हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको यहाँ पे शर्ट के अंदर पॉकेट लगाना बताऊंगी। ये मेरी डेमो क्लास है गाइस। यहाँ पे मैंने सिर्फ यहाँ पे एक डेमो देने के लिए आपको ये कपड़ा कट किया है। ये देखिए मेरी साइड की फ़िटिंग का निशान है यहाँ पे, और ये जो मेरी कमर का निशान है यहाँ पे, उससे 1 इंच अंदर की तरफ मैंने यहाँ पे निशान लगाया है, और इस निशान की लंबाई ली है मैंने यहाँ पे 6 इंच। ये देखिए मेरी लंबाई है यहाँ पे 6 इंच। 6 इंच मैंने इसलिए ली है क्योंकि यहाँ पर हमारी पॉकेट का ओपन एरिया रहेगा, और जो कि हम 6 इंच रखेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 पीस चौरस कपड़े कट किए हैं। ये देखिए मेरे चौरस कपड़े हैं यहाँ पे, और ये देखिए एक मेरी छोटी स्ट्रिप मैंने कट की है। इसकी चौड़ाई ली है मैंने 1.2 इंच, और इसकी लंबाई ली है मैंने यहाँ पे 7 इंच। और इस स्ट्रिप को हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इसको स्टिच कर देंगे यहाँ पे। गाइस मैंने इसकी लंबाई 7 इंच इसलिए ली है, आपको मैं यहाँ पे अभी स्टिच करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं ये 7 इंच हमने यहाँ पे क्यों लिया है। अब ये जो मैंने निशान लगाया है इसे देखिए 1/2 इंच हम ऊपर की तरफ रखेंगे, ये जो मेरी स्ट्रिप है, और 1/2 इंच हमारा नीचे की तरफ रहेगा, ताकि ये हमारा स्टिचिंग के अंदर मार्जिन ऐड हो जाए। और ये जो मेरा निशान है यहाँ पर, हम इसको ऐसे आगे की तरफ बढ़ाएँगे ताकि हमारी सिलाई इससे आगे ना जाए। और ये जो मैंने स्ट्रिप स्टिच की थी यहाँ पे, ये जो मेरी सिलाई यहाँ पे दिख रही है, हम बिल्कुल उसके ऊपर ही यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और ये जो मेरा निशान है, हम इससे आगे अपनी सिलाई को लेके नहीं जाएंगे। और ये देखिए हम अपनी सिलाई को सिर्फ 6 इंच तक यहाँ पे लगाएंगे, और इसको यहाँ पे कट कर देंगे। ऐसे ही हमारा जो दूसरा कपड़ा है, हम इसके इक्वली यहाँ पर इसको ऐसे करके रखेंगे, और अपने निशान को यहाँ पर ऐसे आगे की तरफ बढ़ा देंगे, और सेम ऐसे ही हम निशान लगाएंगे जैसे हमने दूसरे कपड़े पे निशान लगाया है। देखिए हम बिल्कुल 6 इंच तक ही बिल्कुल इक्वली ऐसे निशान लगाएंगे, और देखिए हमारे निशान यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हम ये जो हमारे निशान के अंदर का मार्जिन है, हम इसको यहाँ पे ऐसे पकड़ेंगे और इसको कट कर देंगे। और यहाँ पर देखिए हम ऐसे त्रिकोणा ऐसे कट करेंगे इसको। देखिए हम नीचे से भी इसको ऐसे ही कट करेंगे, और कट करने के बाद हम इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये हमारे जो दोनों कपड़े हैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, और फोल्ड करने के बाद गाइस हम यहाँ पे इसको अच्छे से प्रेस के साथ बिठा लेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से प्रेस के साथ बिठा लिया है, और ये हमारी पॉकेट जो फिनिशिंग के साथ अटैच हुई है यहाँ पर। और देखिए हम दूसरी तरफ से दिखाते हैं, एक मेरा कपड़ा राइट की तरफ है, एक लेफ़्ट की तरफ है। हम इसको ऐसे ही रखेंगे, और ये जो मेरा यहाँ पे पॉकेट का एरिया है, हम यहाँ पे इसको सिलाई के साथ बिठा देंगे इसको। ये हमारी सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। उसके बाद गाइस देखिए हम अपने उसके बाद देखिए ये हमारी सिलाई यहाँ पर कम्प्लीट हो गई है। और ये जो मेरा कपड़ा है, हम इन दोनों को ऊपर नीचे करके रख लेंगे। ऊपर नीचे रखने के बाद गाइस देखिए हम यहाँ पे स्टिच कैसे लगाएंगे। आप ये वाली स्टिचिंग करने का तरीका ध्यान से देख लें। ये जो मेरा कपड़ा है यहाँ पे, जो हमने हल्के कोने कट लगाए थे, उसके अंदर का जो कपड़ा है, हम इसको स्टिच करेंगे यहाँ पे। यहाँ से इसको स्टिच कर लेंगे ऐसे, ताकि हमारा जो बाहर वाला मार्जिन है वो यहाँ पर स्टिच हो जाए। देखिए ध्यान रहे गाइस, वो हमारा अंदर वाला कपड़ा स्टिच होना बहुत ज़रूरी है। स्टिच करने के बाद दिखाऊंगी कि हमारा कौन सा कपड़ा यहाँ पे अंदर की तरफ ऐड हो गया है। उसके बाद देखिए ये जो हमारा ऊपर वाला कपड़ा है वो स्टिच हो गया है, और ऐसे ही हम सेम नीचे वाला कपड़ा भी अंदर की तरफ यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। हम इसको देखिए बाहर की तरफ ऐसे निकाल लेंगे, जो हमारा कपड़ा अंदर की तरफ है। ये देखिए हमने इसको बाहर की तरफ निकाल लिया है, और इसको यहाँ पर हम स्टिच करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और अपनी पूरी पॉकेट को यहाँ पर ऐसे स्टिच कर देंगे। और ये जो मेरा कपड़ा गाइस यहाँ पे छोटा या बड़ा हुआ है पॉकेट वाला, ये देखिए हम इसको कट कर देंगे। आप अपनी पॉकेट को चौरस में भी बना सकते हैं, और एक राउंड शेप भी दे सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी पॉकेट कैसी चाहिए। और ये देखिए मेरी पॉकेट की सिलाई यहाँ पर कम्प्लीट हो गई है। उसके बाद देखिए गाइस हम यहाँ पर और इसके यहाँ पर स्टिच करके अपने पॉकेट को यहाँ पर अच्छे से बिठा लेंगे। और उसके बाद देखिए गाइस हमारी पॉकेट यहाँ पे
अच्छे से कंप्लीट हो गई है। बताएं गाइस कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।